लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस सत्ता पाने की होड़ में जदोजहद करते दिख रही है। इसी के चलते हम आपको खंडवा लोकसभा क्षेत्र का नजारा दिखाने जा रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव अपने संसदीय क्षेत्र ग्राम झिरनिया पहुंचे और किसान सम्मेलन में शामिल हुए। किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए अरुण यादव ने भाजपा पर जमकर तीखे प्रहार किए। इस दौरान अरुण यादव ने मीडिया से खास बातचीत में सीधे शिवराज सिंह चौहान को दिग्विजय सिंह के सामने चुनाव लड़ने की चुनौती दी और कहा कि डेढ़ माह बीतने के बाद भाजपा अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। नरेंद्र की सरकार ने पिछले 5 सालों में देश के प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से इस देश की जनता को जीतने का काम किया। वो तमाम वादे जो प्रधानमंत्री ने देश की जनता को 2014 में किए थे, वो तमाम वादे उन्होंने पूरे नहीं किए और देश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। हम उन तमाम मुद्दों पर जनता के बीच में जा रहे हैं। प्रदेश में हमारी सरकार है, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने 83 दिन में 73 फैसले, बड़े फैसले जनता के हित में मध्यप्रदेश में किए हैं और ऐतिहासिक फैसले मध्यप्रदेश की जनता के लिए हमने किए हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच में चाहें। और एक बहुत बड़ा काम करने का जो तरीका है पूर्व की सरकार का, हमारी सरकार, पूर्व की सरकार में आपने देखा होगा कि चुनाव होने के बाद जनता का जनमत लेने के बाद पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद जो है एक साल तक तो जो है सिर्फ मालाएं पहनने का और घोषणाएं करने का दौर चलता रहता है। लोगों की समस्या कैसे दूर हो, जो वचन, जो बातें, जो घोषणाएं की जाती थी उन पर कैसे अमल किया जाए, उस पर काम नहीं होता था और वो तो पूरे 15 साल में नहीं हुआ। ये एक ऐसी सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि प्रचार कम और काम ज़्यादा, उस तर्ज पर हमने काम किया। और आप देखें कि इतने अल्प समय में, अभी हमारी सरकार को पूरे ठीक से 3 महीने भी नहीं हुए, लेकिन इन 3 महीनों में हमने जनता से, हर वर्ग से जुड़े हुए वो वचन जो पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं लोगों को छूते हैं, ऐसे वचनों को हमने जो है पूरा करने का काम किया है। और मैं समझता हूँ जिस गति से, जिस तेजी से हमारी सरकार काम कर रही है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मैं समझता हूँ कि जो वचन हमने, जो 5 साल के लिए हमने, जो सरकार 5 साल के लिए जनता ने हमको जो जनमत दिया था और जिन वचनों को पूरा करने का समय दिया था, जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, मैं समझता हूँ कि अगले 1-1.5 साल में ही हम वचन पत्र के हर बिंदु को पूरा करने का काम हो जाए।